अब हम पढ़ेंगे पाठ पाँच, मदन मोहन मालवीय के अति लघुतरी प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न दिया हमको प्रश्न नंबर का, मदन मोहन मालवीय जी के नाम का लोग कौन सा सुंदर अर्थ करते थे। उत्तर होगा कि वह मद नामो हो ना मालवीय है, ऐसे व्यक्ति है जिनमें मद, घमंड और मोह नहीं है। प्रश्न नंबर का, वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी को सबसे बड़ी सफलता कब मिली थी। तो उत्तर होगा हमारा, वकालत के क्षेत्र में मालवीय जी को सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड से मिली, जिसमें उन्होंने पैरवी करके 51 लोगों को मिली फांसी की सजा माफ करवाई थी। प्रश्न नंबर घा, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो उत्तर होगा, मालवीय जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का किया। प्रश्न नंबर डा, मालवीय जी की निस्वार्थ कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। तो उत्तर होगा कि हम देशभक्त बने और हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे लघुतरी प्रश्न, प्रश्न नंबर का, मदन मोहन मालवीय अपने को भारत का भिखारी क्यों मानते थे। उत्तर होगा हमारा, मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, इस काम के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। धन इकट्ठा करने के लिए वे झोली लेकर देश के कोने कोने में घूमे। उनमें ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर वे पहुंचते थे वहां से खाली हाथ ना लौटते थे। मालवीय जी स्वयं को भारत का भिखारी मानते थे। प्रश्न नंबर, सीधे हम घा में आ जाते, का और खा गा हमको छोड़ना है। तो प्रश्न नंबर घा देखेंगे, मालवीय जी ने हिंदी की उन्नति के लिए क्या किया। तो मालवीय जी ने एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने हिंदी भाषा के को ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना भी बहुत कठिन काम था। उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार कराया। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। प्रश्न नंबर डा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी ने किन उद्देश्यों के लिए की थी। उत्तर होगा कि कम से कम देश में एक विश्वविद्यालय ऐसा हो जिस पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप हो। तो यह हमारे लघु उत्तरी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब प्रश्न नंबर चार देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको पढ़कर आपको खुद उसका उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो दृष्टि, ख्याति, कीर्ति, उन्नति और अनुरोध, इसको आपको पाठ में से ढूंढ करके इनको शुद्ध रूप करके इनका लिखना है। यह आपका होमवर्क रहेगा और यहाँ हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है।